सत श्री अकाल जी सारन की हाल चाल। आज का सीन ये है कि आज है सैटरडे और आज अपने को करनी है दिहाड़ी, थोड़ी देर करेंगे क्योंकि 3-4 घंटे करेंगे। उसके बाद मेरे को जाना है भाई के घर, एक भाई है ठीक है उनका भी बता देंगे, और उन लोगों ने हमको बुलाया लंच पे मेरे को और तलाबरो को, तो मैं और तलाबरो जाएंगे। तलाबरो अभी सो रहा है तो मैंने बात करी उससे, तो कह रहा है मेरे को अभी सोना है थोड़ी देर, मेरा ठीक है तो फिर हम लोग जाएंगे वहाँ घूमने फिरने, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तब तक अपन लोग करेंगे डिलीवरीज। तो भाई आज मौसम बहुत सुहावना है, पकौड़े खाने वाला मौसम है, और आज सीन ये है कि बारिश आज नहीं, वैसे भी ये वीक भर बारिश है। हाँ जी भैया, तो अभी बच रहे हैं 1 बज गया ठीक है, तो इतने टाइम में बने अपने $60 ठीक है। तो अभी अपन लोग जा रहे हैं घर पे क्योंकि फिर अपने को रेडी होके जाना है, क्योंकि एक तो बज गया ऑलमोस्ट और लंच पे भी जाना है, और तला भाई अभी तक उठे नहीं, मैं 2 बार फोन किया है। हाँ जी भैया, तो अपन पहुंच गए इधर, तो ठंड है, अपन अपनी जैकेट निकाले, और इधर मैं ना घर पे वाटरमेलन खा रहा था इधर लग गया। तो तला भाई भी आएंगे लेकिन हमारा प्लान अलग है, मैं बताता हूँ क्या सीन है। तो हमारा प्लान ये है मेरा और तालाब रो का कि आज है ना इधर जिस साइड में हम लोग नॉर्थ साइड में हैं, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है, तो वहाँ पे चलता है सर्ज 1.5 का। तो सर्ज अलग चीज़ होती है, मतलब ज़्यादा पैसा मिलता है जब आप डिलीवरीज करते हो। तो ये सीन ये है कि अभी यहाँ से निकल के 2:30-3 बजे निकल के, 2:30 बजे तो निकल नहीं पाएंगे, 2:30 बजे सॉरी 5 बजे यहाँ से जाएंगे, 5 से 8 वहाँ चलेगा, तो फिर हम लोग वहाँ पे उबर करेंगे, ये सीन है, तो इसलिए अलग अलग गाड़ी पे हैं। कैसे हो? हाँ जी भैया, तो अपन भाई के घर पे आ गए, तो इधर है ना, तो ये भाई है ठीक है, मैं पहचानता हूँ बहुत, मतलब मैं भी थोड़े टाइम बाद है तो लोग पहचान लेंगे प्रॉब्ली। तो इन लोगों ने आज हम लोग को लंच पे बुलाया, मैं और तला आए हैं इधर, तला भी आ रहा है पीछे पीछे धीरे धीरे, हमेशा लेट, तो हमेशा लेट होता है। क्या खिला रहे हो आप लोग आज? आज खिला रहे हैं गोलगप्पे, और तुम्हारे भाई ने भेल बनाई है। भेल मतलब गोलगप्पे हिमांचल ने बनाया, मैं और वो भेल जो होती है वो उसको, यार मुझे मराठी में पता है, हिंदी में कुरमुरे पता है, अरे जो भी है ठीक है, मैं समझ गया। मैं अभी खाने मिलेगा, तुम खाली पेट नहीं जाओगे, इन शॉर्ट वही है बस, बाकी तुम कुछ भी खाओ। और गुलाब जामुन, गुलाब जामुन भी रसमलाई लाओ, रसमलाई नहीं लाना, जानबूझ के नहीं लाना। ये बाल्टी भर के गोलगप्पे हैं, और इसको बेल बोलते हैं ना? हाँ उसको बेल बोलते हैं। तो ये बेल है ठीक है। तो कितने लोग हैं अपन लोग? 5 लोग हैं, मैं हिमांशु नवजोत और तला। तो 5 कैसे हुए? तो तला तो गलत मजाक नहीं उड़ा, मैं काउंट करूंगा कि तला कितना खा रहा है, मैं हर एक पूरी पे काउंट करूंगा। तला खाएगा नहीं, बोलेगा नहीं आना है मुझे नेक्स्ट टाइम। ये खुलता कैसे है भाई? ये खुलता कैसे है? किस बस पक्की बात? अच्छा इसको दोनों को एक साइड में करना, तुमसे ना हमारे घर में ऐसा सही नहीं है, हमारे घर में अच्छे दरवाजे हैं। अच्छा वो भी हो सकता है, बिल्कुल इधर का टाइम लॉस आएगा। गुलाब जामुन आएंगे कि नहीं? तो अभी हम लोगों ने खा पी लिया है ठीक है, वो गोलगप्पे खा लिए, अभी इन लोगों ने बोला था गुलाब जामुन खिलाएंगे, लेकिन इनके पास रसमलाई नहीं है, तो ये थोड़ा सा दुख भरी बात है। तो बाद में हम लोग जाएंगे डोसा हट, तो वहाँ से खाएंगे रसमलाई। नहीं नहीं नहीं, कोई हिट विट कुछ नहीं करके देगा, ठंडा खाओगे, ठंडा मजा आता है, ठंडा राहुल भाई के हैं, गरम खाना है इनको, गुलाब जामुन राहुल भाई के हैं, ये बहुत नकरे हैं इनके यार। राहुल भाई के हैं ये गुलाब जामुन। अभी क्या बोल रही थी, दोबारा बोलियो, मेरा माइक्रोवेव खराब हो गया। अरे नहीं, जो तुमने एकदम सडन बोला, जेन्युइन वो हमने अंदर से गलत हो गया ना, होगी करवा ली बेइज्जती दूसरे के घर आके, ये होटल में जाके बेइज्जती करवाते हैं, दूसरे के घर पे आके बेइज्जती करवाते हैं, ये हर जगह करवाते हैं, उधर उधर लात मार के निकाल दिया वो, ये काम भी शूट कर दिया। ठीक है भैया, हम लोग भी घर जा रहे हैं, वो तो बंदा अपनी अलग गाड़ी में आया था, तो ये भाई ने आज बहुत अच्छा काम किया। राहुल माता को सब्सक्राइब जरूर करिए, आई एम क्लोज टू 10,000 सब्सक्राइबर, तो सब्सक्राइब जरूर करें, हर जगह प्रमोशन। तो बाकी अपन अभी जा रहे हैं, आज है सैटरडे, तो आपको दिखा भी रहे ना कि ऊबर भी चल रही है, तो वो भी आपको दिखाएं कितना पैसा बना है। मेहनत मेहनत भाई की निंजा टेक्निक है, हर जगह घर पे लोगों को बुला के गुलाब जामुन खिला के सब्सक्राइब करो। वो भी गुलाब जामुन भी ठंडे वाले खिला रहा था। अरे ये तो बन गया नहीं हुआ, चलो चलो कॉल करके, भाई कल क्या कर रहे हो, आओगे गुलाब जामुन खाने? देखो मैं क्या वीडियो बनाओ, वीडियो नहीं बना रहा मैं कल, ओके वो कैंसिल हो गया प्लान। नहीं नहीं नहीं, बेकार, तो फेसबुक एड्स में वगैरह डालने से अच्छा है कि तुम खाने में इन्वेस्ट करो, दोस्त को बुलाओ, अरे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, सब्सक्राइब जरूर करें। चलो
तू तो आ ही रहा है उधर सेल्सबरी में मिल मिलेगा कहाँ मिलेगा डिनर करने तो चलेंगे ना अब बहुत दिन से अनीस नहीं गए चलेंगे आज हाँ जी भैया तो ठंड बहुत है बहुत ज़्यादा ठंड है ठीक है लेकिन नीचे ही रहता है क्योंकि नीचे ठंड नहीं लगती नीचे ज़्यादा गर्मी है तो सीन ये है कि मैंने काफ़ी दिन से गाड़ी के बारे में वीडियो बनाई नहीं थी और कल मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं करी तो आज पहले आपको दिखाएंगे गाड़ी के बारे में तो ठीक है इधर ठंड बहुत है तो इधर लिख देंगे शब्बू आई लव यू तो गंद बहुत पड़ा है पहले तो मैं इसको बाहर निकालूंगा फिर आपसे बात करते हैं एक सेकंड को तो इसके बिना नहीं चलता आजकल काम क्योंकि नींदें बहुत आती हैं और फिर ये पी पी के काम हो रहे हैं आजकल और ये नुकसानदायक होती है ऐसा सुना है नहीं पीनी चाहिए लेकिन क्या ही करें मजबूरी है ब्रो तो इस गाड़ी में जैसे आप देख पा रहे हो मतलब इसमें स्पेस तो एक मिनट हाँ ठीक है अभी कुछ ठीक है तो इस गाड़ी में स्पेस ज़्यादा नहीं है मतलब छोटी सी गाड़ी है मतलब ऊपर मेरा सर लग जाता है जब मैं कैप पहन के बैठता हूँ ना तो ऊपर जैसे सर लग जाता है कई बार ऐसे तो ठीक ठाक है मेरे लिए सही है ये डिलीवरीज करने के लिए बेस्ट गाड़ी है मैं इसके बारे में बताता हूँ सारा इसकी मतलब तेल कितना पीती है और क्या कुछ चलता है ठीक है तो इसमें हमें जब हमने गाड़ी ली थी तो मैं बता दूँ तो ये वाला स्विच काम नहीं करता था अभी काम करता है सब काम करता तो हमने सब सही करवा के लिया था और वो उसने जब हम लोग को क्या बोलता रहा था मैं जब उसने हम लोगों को गाड़ी दी थी तो उसमें एसी भी नहीं चल रहा था तो उसका शायद गैस घुस पड़ने वाली थी उसने सब कर दिया है बहुत ठंडे भाई ऊपर चलते रुको तो उसने हमें ये टायर थोड़े नए डाल के दिए थे बिल्कुल नए नहीं है लेकिन थोड़े सही कंडीशन वाले डाल के दिए थे तीन टायर क्योंकि जब हमने उससे गाड़ी ली थी उसने बोला हुआ था कि हमें कि प्रॉपर हम मैं तेरे को ओके करके दूंगा तो उसके उसने तीन टायर डाले क्योंकि वो बाकी जो तीन टायर थे ना जो उसने नए डाले वो बिल्कुल बेकार थे इसलिए तो इसमें पीछे हमने अपना सामान रखा हुआ है डिलीवरी बैग है ठीक है और इसके अलावा हमारी ये छतरी है और क्या क्या है भाई ग्लव्स बहुत कुछ पड़ा हुआ है अपने पास ये सारे काम ही आते रहते हैं ये अपनी नहीं है चल ये फेंको ये भी अपनी नहीं है निकालो बहुत सामान पड़ा है फालतू का ये शूज़ अपने और ये बैग अपना है और ये अपनी ये फेंक नहीं है तो जिस दिन से मैं गाड़ी लाया हूँ तो मैंने इसको साफ़ नहीं किया है तो पीछे ठीक ठाक स्पेस है तो इसमें अपना बैग आया था आराम से अभी इसको उठा के तो अभी इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे क्योंकि ये सामान ऊपर रखना है और ये डिग्गी खाली करनी है हाँ जी भैया तो अब बात कर लेते गाड़ी हमने कितने के लिए गाड़ी ली हमने $3,400 की ठीक है मतलब $3,400 की हमने गाड़ी ली है 180 चली हुई थी मतलब 180,000 चली हुई थी और बाकी हमने चला दी उसके बाद में ठीक है और जब भी हमने गाड़ी लेनी होती है हमने ये चेक करना होता है कि गाड़ी चली कितनी है ठीक है और कब तक इसकी रेजो है रेजो इसकी 2 महीने की थी ठीक है रेजो का आपको मैंने ऑलरेडी पुरानी वीडियो में बता रखा है रेजो क्या होता है रजिस्ट्रेशन होता है रोड पर चलाने के लिए आपको यानी कि वो एक तरीके का आपको टैक्स देना होता है गवर्नमेंट को रोड पर गाड़ी चलाने के लिए तो उसके बाद दूसरी बात आती है कि ढूंढी कहाँ से तो भैया ढूंढी थी हमने फेसबुक मार्केट प्लेस पर बहुत लोगों ने डाली होती है और मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ जब भी आपने कोई भी गाड़ी लेनी है तो आप तो आप ना अपने मैकेनिक को लेके जाओ लेकिन हमारे पास मैकेनिक था नहीं क्योंकि हम लोग गाड़ी ही मैकेनिक के पास लेने गए थे तो हमने उसको बोला था इसकी सर्विस करके रखी हो तो उस इंसान ने सर्विस नहीं करी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा आज के 20 भाई ने वो चेक किया तो आज के 20 ब्रो का बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे ब्रो को ठीक है जाके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो बर्थडे विश करो ग्रो को तो गाड़ी का और मैं बताता हूँ गाड़ी का इंजन है 1.4 लीटर का ठीक है जो मेरी पहली वाली जो सोनाटा है उसका 2 पॉइंट कुछ का है ऐसे ही है और जो मेरी पहले वाली थी इसके पहले वाली उसका 3 पॉइंट कुछ था तो वो थी 6 सिलेंडर और वो तेल बहुत पीती थी ठीक है उसके बाद हम लोग आगे सोनाटा पे सोनाटा ओके पीती थी और ये वाली तो एक हिसाब से सूंघती है तो डिलीवरीज के लिए मैं बता दूँ कौन कौन सी कार्स अच्छी हैं माजा 2 हुंडई गैड्स और टोयोटा यारिस या टोयोटा करोला ये गाड़ियों में एवरेज बहुत अच्छी है और इनके बाकी मेंटेनेंस खर्चे भी कम हैं तो इसलिए हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो बंदा डिलीवरीज करता है तो मेरे को डिलीवरीज करनी थी इजीली पार्क हो जाती घुमा के जहाँ मर्जी लगा तो पहली वाली कार बहुत लंबी थी ये चक्कर था इसमें कुछ कमियां हैं जैसे कि जब चढ़ाई पे जाती है रोने लग जाती है गाड़ी तो मेरे को कभी कभी डर लगता है पीछे ना आ जाए तो ये थोड़ा डर है इसमें बाकी गाड़ी अच्छी है कोई दिक्कत नहीं आ रही है अपने को धूप बहुत आ गई है अभी ये हो गया अभी चाय रख दूँ पहले चाय रख दूँ फिर ज्ञान देता हूँ तो भाई इतना ठंडा पानी है आज मतलब गर्म आ ही नहीं रहा
तो जब भी आपने गाड़ी लेनी है दो चार चीज़ों का ध्यान रखना है कि रेजो कितनी है और ये चली हुई कितनी है और इसमें कोई मैकेनिकल फॉल्ट तो नहीं है। देखो बॉडी जो बाहर से होती ना, बाहर से दिखना एक अच्छी बात होती है कि हाँ हम लोग को अच्छी दिखने वाली कार लेनी है अच्छी कंडीशन में, लेकिन मेन होता है इंजन। अगर आपके इंजन की ढाई फीस हुई पड़ी ना तो कोई फ़ायदा नहीं उसको लेने का, चाहे बाहर से आप हीरे मोती जड़वा दो। तो मेन है कि अंदर से सही है। और गाड़ी आप लोग काफ़ी पूछोगे कितने तक की मिल जाती है, यार अगर आप 2000 से लेकर 4000 के बीच में लगाते हो तो बहुत अच्छी गाड़ी मिल जाती है। बाकी ऊपर लगाना तो अगर आपके पास ज़्यादा पैसा लगा लो, लेकिन मेरी सलाह यही है क्योंकि मैंने महंगी कार भी लेके देखी है, तो मेरी सलाह यही है अगर आप स्टूडेंट हो, जब तक स्टूडेंट हो तो छोटी छोटी गाड़ियाँ रखो, क्योंकि अगर आप छोटी गाड़ी बेचोगे तो उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं होता, और बड़ी गाड़ी अगर आप खरीद के बेचो तो बहुत नुकसान होता है। ऐसी ना कच्चे सुखाए जा रहे हैं। तो सीन ये कि कल धूप ज़्यादा निकली नहीं थी तो मैंने कपड़े अंदर ले आया था, और आज धूप है तो आज बाहर डाल देंगे इनको। तो अभी सेटअप मैं कर रहा था तो ये जो टेबल है ये जाएगा उस साइड में, ठीक है, और ये वाला है बहुत भारी तो इसको हटाने का जुगाड़ देखा जा रहा है, क्योंकि इतना भारी तो उठेगा नहीं। तो ये वाला जो यहाँ पे एक टेबल था वो मैंने हटा दिया, बाहर कर दिया उधर, तो ये वाला उधर जाएगा और एक गेमिंग चेयर लाएंगे, फिर इस पर बैठ के एडिट हुआ करेगा और जो कुछ भी करना होता है। जी भैया, तो अपन लोग नहा धो लिए, अभी शाम का टाइम है, ठीक है, तो मैं किस्तों में शूट कर रहा हूँ वीडियो। तो अभी काफ़ी लोग पूछेंगे कि ये एवरेज कितना देती है, ठीक है, तो यार मैं बता दूँ ये कम से कम 14 से ऊपर ही देती है, मतलब 14 और 16 के बीच में रहता है, डिपेंड करता है कि आप हाईवे पे चला रहे हो या गलियों में चला रहे हो। जब आप गलियों में चलाते हो तो आपको पता है ऑब्वियसली बात है, आप बार बार बंद करते हो, ब्रेक मारते हो, सब कुछ होता है, तो उसमें आपकी एवरेज मिलती, तो आपको गाड़ी एवरेज देती है कम, ठीक है, ये सीन है, टाइट है, गले फंदा है, तो ये चक्कर पड़ जाता है। लेकिन अगर आप ये कंपेयर करते हो बाकी गाड़ियों के साथ, ठीक है, तो उनके खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, जैसे पहली वाली मेरी सोनाटा थी उस पर ज़्यादा खर्चे थे। तो मेन बात ये कि अभी जैसे मान लो ऊबर पे मैं बताऊँ कितने बनते हैं, अगर मैं इसमें $30 का पेट्रोल डलवाता हूँ तो उसमें आप $300 आराम से कमा सकते हो, 30 में 300 आराम से हो जाता है, ठीक है, अगर आप कमाना चाहो, मैं इतना आइडिया बता रहा हूँ। और अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि बाइक पे कर लो और ईजी पड़ेगा, देखो यार कर सकते हो, मर्जी है, उसमें एवरेज ज़्यादा मिलेगी लेकिन उस पर रिस्क बहुत ज़्यादा है। जैसे बारिश में आप कर सकते हो गाड़ी पे, लेकिन बाइक पे नहीं कर पाओगे क्योंकि रोड स्लिपरी है, गिरने का बहुत ज़्यादा डर रहता है और लोग साइड नहीं रहते बाइक वालों को, ये थोड़ा डर रहता है। तो और फिर आपको बैग पीछे टांग के जाना पड़ेगा, इसमें आराम से गाड़ी में रखो, आराम से जाओ और बातें करते रहो। हम लोग पूरे दिन कॉल पर रहते हैं, जिस दिन भी हम लोगों ने ऊबर करनी होती है तो ज़्यादातर हम लोग वीकेंड पे ही करते हैं, जो भी करते हैं क्योंकि वीकेंड पे ज़्यादा पैसा बनता है। वो जितने भी लड़के हैं अगर किसी ने करनी है तो वीकेंड पे ही करता, तो मज़ा आता है भाई, वीकेंड पे सारे करते हैं, कॉल पे लगे रहते हैं, बाइक पे रह के आप कॉल पे नहीं रह सकते क्योंकि वो सांस 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 की आवाज़ आती रहेगी फिर गाड़ी में, मतलब अगले बंदे को फ़ोन में हवा की, ये चीज़ रहती हैं बस। तो इसलिए हम लोग तो प्रेफर करते हैं कि आप गाड़ी में करो, ज़्यादा सेफ है, गाड़ी भी उतने की मिलती है, बाइक भी उतने की मिलती है, बाइक आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1500-2000 की मिल जाएगी और गाड़ी अच्छी आपको 3000 की मिल जाएगी, $1000 का फ़र्क है, लेकिन ज़्यादा सेफ्टी बाइक में नहीं है, वो गाड़ी पे ही है, और थोड़ा खर्चा ज़्यादा आ जाता है लेकिन आप ज़्यादा सेव कर सकते हो गाड़ी पे बाइक पे। और अगर आप सिटी में करते हो, मैं बताता हूँ, हम लोग करते हैं सबर्ब्स में, थोड़ा दूर करते हैं, अगर आप सिटी में करते हो तो ज़्यादा पैसा बनता है, अगर सबर्ब्स में करते हो तो थोड़ा कम पैसा बनता है। अभी आप बोलोगे कि हम लोग फिर सिटी में करेंगे, सिटी का चक्कर आपको पड़ जाएगा कि आपको पार्किंग नहीं मिलेगी और चालान बहुत कट कट के आता है, अगर आप गलत जगह पार्क कर दोगे उसका चालान आ जाएगा, तो इसलिए हम लोग रिस्क नहीं लेते, रिस्क, तो ये सीन है। तो बस इतना कुछ ही था, अपनी गाड़ी अच्छी चल रही है, मज़ा आ रहा है, काम 25 है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें, लव यू ऑल, लव यू, ओके बाय।